हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा रैपिड, वेंटो, पोलो, फैबिया, इनके जो स्टीयरिंग रैक होता है इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो कट 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 की आवाज़ आती है, इसका बूस्ट हो जाता है ख़राब। ठीक है, तो इसका बूस्ट ख़राब होने के बाद इसके अंदर आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, गड्ढे के अंदर भी आती है और स्मूथ रोड होएगा उस पर भी हल्का मोटा गड्ढा आएगा तो उस पर भी गट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम करने का जाने वाले हैं, इसके पहले दोनों बाजुएँ हटाएंगे, उसके बाद ये 36 नंबर का नट होगा ये खोलेंगे और यहाँ पर एक नट होता है ये खोलेंगे। तो इसको रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका है वो हमने मंगवा रखा है और आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा किस तरीके से कितना 12,000 का काम कितना सस्ता हो रखा है इसके अंदर। तो अभी हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खुला जाएगा। तो अभी हमने एक क्लिप हटाए हैं और अभी इसको निकालते हैं, यहाँ से इसको खोलना है, इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये देख सकते हो इस हिसाब से ये पूरा जंग खा रखा है, ये पूरा का पूरा जंग खा रखा है। अगर आपको पिले दिख रही होगी ये देखो, ये पिले इसके अंदर आ चुकी है, हल्की पिले होनी चाहिए, ज़्यादा पिले इसके अंदर और ये पूरा का पूरा पानी जाने की वजह से जंग खा रहा है। इधर का भी हटाते ये देखो, तो अभी इसको पूरी पूरी राड को निकालते हैं, ये देख सकते हो कितना जंग है। तो अभी इसको पूरे क्लीन वगैरह करके पूरा एकदम ज़्यादा कंपनी से आती है गाड़ी निकल के उस तरीके से इस स्टीयरिंग को तैयार कर देंगे और जेन्युइन तरीके से करेंगे बिल्कुल। तो अभी इसको खोल के लेते हैं। अरे वो तो ये हमने बाजू एंड वगैरह खोल के ले चुके हैं और अब इसको खोलने की बारी, इसको पकड़ियो करके। तो इसको खोलने के लिए हमारे को करना क्या है, 36 की गोटी ले रखी है, ये हमने यहाँ से काट रखी है, इसको मुँह लगाना है, लगा के पकड़ इसको, वो चाबी उठा, तो ये प्यार से खुल जाएगा। ये खुल चुका है नट 36 का और इस पिनियन को निकालोगे तभी जाके ये राड निकलेगी, स्टीयरिंग राड। तो ये वाला भी हमें नट खोलना है, पकड़, ये थोड़ा टाइट होगा जो कंपनी के हिसाब से कसा हुआ होता है। खोल के लेते हैं, खोल लिए, इसको ये हटाना है। ठीक है, ये वाली चीज को निकालने के लिए हल्का सा मार दो, निकल गया, देख सकते हो ये राड निकाल लेनी है हमारे को, ये पिनियन जंग खाई हुई है पूरी की पूरी। ये राड और इसके अंदर जो बूस होता है वो यहाँ लगता है, अभी इसको भी निकालते हैं, अंदर का बूस है ये, देख सकते हो अभी तक ये रिपेयर हो नहीं रखा है, स्टीयरिंग बूस जो लगा हुआ है वो जेन्युइन बूस लगा हुआ है इसके अंदर मगर ख़राब हो चुका है पानी जाने की वजह से। तो अभी इसको बाहर करके लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर इसको, तो ये देख सकते हो ये बूस निकला है इसके अंदर, टूट के ही निकलता है वैसे ये मगर निकला जैन मैंने, इससे पहले कभी ये रिपेयर हुआ नहीं है स्टीयरिंग। और ये कोन निकालनी पड़ती है, पहले ये बूस तोड़ोगे फिर उसके बाद ये कोन निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा और इसी की मदद से निकल जाएगा आराम से ठोक के। तो ये सारा सामान होता है, ये सारा का सारा, ये अपना स्टीयरिंग गर्म हो गया, ये निकलो, ये बुश हो गया और ये जो सारे के सारे बाजू एंड वगैरह ये पिनियन वगैरह। तो अभी इन सारे सामानों को हम बढ़िया से धुलवाते हैं, अच्छी कंडीशन में करवाते हैं, ये देख सकते हो कितना जंग पकड़ा हुआ है, ये देखो ये साफ़ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी साफ़ नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा जंग खाया हुआ है, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो करवाते हैं इसको अभी पूरा साफ़,
और ये वाला बूस हम लेकर आए हुए हैं, दिखाते हैं कितने का होता है, कितने का लगता है ये सारा सामान। तो अभी इसको धुलवाते हैं, फिट करवाते हैं, फिर फिट करते समय दिखाएंगे आपको। तो ये सारा का सारा सामान हम धो के ले चुके हैं, देख सकते हो किस हिसाब से फिनिशिंग आई है। जितना हो सका उतना हमने इसको साफ करने की कोशिश करी पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी ये जो निशान है ये निशान नहीं जाएंगे क्योंकि ये गड्ढे पड़ चुके हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं इतनी। और ये भी हमने साफ करके पूरा का पूरा ले चुके हैं, ये देख सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहले काफ़ी कचरा भरा पड़ा था इसके अंदर, पूरा का पूरा जाम हो रखा था। अब ये अगर दिख रहा होगा तो पूरा का पूरा साफ हो चुका है। तो अभी इसको फिट करते हैं, पंखा बंद कर, अभी इसको फिट करते हैं प्रॉपर और दिखाते हैं किस तरीके से फिट होगा ये। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये बूस है, ये वाला बूस जो ये ख़राब बूस हो चुका है, ये भी ओरिजिनल है जो कंपनी से लगा हुआ आता है इस कंपनी को। निकाल दें तो इस तरीके का ये बूस आएगा जो पूरा जेन्युइन होगा, पर नहीं उठा, ठीक है। इस तरीके का ये बूस आएगा और ये देख सकते हो इसकी MRP कितनी है, ये 276, मगर ये आएगा आपको 221, मतलब 221 रुपये का ये बूस आएगा। और आप खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आप इसको रिपेयर कराते हो खराबी से तो इसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम आती है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको इसको फिट करते समय। तो अभी चलते हैं इसको फिट करते हैं। अरे इधर आ जाओ। तो ये हम इस बूस को फिट करने के लिए पहले हमारे को हल्का इस पर ग्रीस लगा के ले लेना है, ठीक है। ग्रीस लगा के फिर इसको आराम से यूं करके डाल देना है, इस तरीके से ये डलेगा, ये खांचा अपना ऊपर होएगा। तो इसको यूं करके हमारे को बैठाना है, ये आराम से जाके ये बैठ गया, हाथ से बैठ जाएगा, कोई इसके अंदर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये कोन होती है, ठीक है, ये कोन को हमारे को लगा देना है, इसके अंदर की तरफ यूं करके लगा देना है इस कोन को, ये प्यार से चली जाएगी, ये कोन भी चली गई, ठीक है। इसको हल्का ठोक लेंगे किसी चीज़ से, गोटी रुक जा, साला इतना टाइम क्यों लगाते हो। तो ये हमारे को इस तरीके से ठोक के ले लेना है, इसको ठोक के हमने ले चुके हैं। फिर इसको ये जो ग्रीस है, इस ग्रीस को इसके अंदर इस पे ग्रीस लगा के राड पे, और इसको इस तरीके से डाल देना है हमारे को यहाँ की साइड से, आराम से ये चला जाएगा। आराम से तो ये पूरा का पूरा आराम से टाइट बैठेगा थोड़ा, और बढ़िया का बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना। तो ये हम लगा के ले चुके हैं राड, तो हमारे को क्या करना है, पिनियन लेना है, पिनियन पे ग्रीस लगानी है, ठीक है। ग्रीस लगा के फिर इस पिनियन को लगा देना है इस तरीके से, बढ़िया से ग्रीस लगा के, ग्रीस भी ओरिजिनल हो, ये नहीं कि जम जाए बाद में। इस पिनियन को हमारे को ऑन फिट करके बैठा देना है। कपड़ा दें हाथ क्योंकि चल रहा है, ये बैठ गया, पहनते बस हो गया। तो ये पिनियन हमारा बैठ चुका है, देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो अभी इसको प्रॉपर फिटिंग करते हैं, इधर दिखा। इसको लेना है, ये ग्रीस लगा लेनी है हल्की, ठीक है। इस पर ग्रीस लगा के इसको इस तरीके से बैठा देना है, नीचे अंदर की तरफ चला जाएगा।
चला गया। अपने को एक स्प्रिंग लेनी है, जो स्प्रिंग खोली है और फिर इस पर हल्का सा ग्रीस लगा के इसको ले लेना है। हमारा कस गया, फिर हमारे को ये चकनट नट लेना, ले के जा। ठीक है, इसको इस तरीके से लगाना है और इसमें भी हल्की ग्रीस भर देनी है। इधर दिखाई दे, यहाँ पे ढंग से फोन पकड़ा करो, तभी तो साले सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते मेरे। लाओ दे गोटी, दे फटाफट दे चाबी, दे गोटी दे। तो इसको मोती को लगा के इस नट को इस तरीके से कस लेना है हमारे को। तो ये कस चुका है पूरा, प्लास दे प्लास फटाफट। फिर हमारे को ये चेक करना है, प्लास तो था, प्लास नहीं है क्या? तो था प्लास दे फिर लाए, पकड़ इसको जरा। यहाँ पे ये हमारा रिपेयर पूरा हो चुका है, ये देख सकते हो किस हिसाब से स्मूथ है बिल्कुल। ये वाला नट भी कस दिया है और ये वाले नट का मैन ध्यान रखना है, ये वाले का चेक नट का, ठीक है। इसको ये भी टाइट होना चाहिए, ज़्यादा लूज कर छोड़ दोगे तो ज़्यादा फ्री हो जाएगा और ज़्यादा टाइट कर दोगे तो ये जाम हो जाएगा। तो ये इस टाइम हमारा ये पूरा फिक्स हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हो, मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा, इधर दिखा, अब कोई भी चाल नहीं है इसके अंदर, हल्की होनी चाहिए बिल्कुल ना के बराबर। छोड़ दे, इसको करते कंप्लीट पूरा। तो अभी इसको कंप्लीट करवाते हैं, बाजू एंड वगैरह लगवाते हैं। इस पर किस साइड का है? ले ले, लेफ्ट साइड का लगा, तो राइट साइड का लगा। तो ये फटाफट इसको कंप्लीट करवा के इस तरीके से कस लो इसको, फिर नीचे उतार के इसको प्रॉपर कस देंगे। इधर का भी लगा ले, घुमा ले इसको, घुमा ले बस। तो ये पूरा स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है इस टाइम ये, और जैसा कंपनी से आता है स्मूथ स्टीयरिंग। अगर हम, अरे यार पता नहीं कब सीखेगा ये। हाँ पकड़ इसको, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर दिखाओ, आपको शक्ल दिखा यार। तो ये कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम इसको नया लेते हैं मायापुरी वगैरह से अगर लेकर आते हैं तो वो रिपेयर वगैरह मिलते हैं, और कश्मीरी गेट से लेकर आते हैं तो ये रिपेयर होके ही रखे हुए होते हैं। अगर नया लेंगे बिल्कुल ही कंपनी से तो वो जेन्युइन मिलेगा आपको, और अगर हम खराबी से इसको रिपेयर कराते तो उसमें हार्डपन आ जाता है, वो घुस काट के लगाते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है 230 रुपये में ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।